सुंदर सुर सजाने का, सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ, नवसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। दोस्तों नवसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। समंदर तो परखती है हौसले कश्तियों की, समंदर तो परखती है हौसले कश्तियों की, मैं डूबते कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, मैं डूबते कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। दोस्तों हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम दोस्तों रेलवे NTPC ग्रुप डी एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा वाले स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं समय और काम, टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। और हर एक क्वेश्चन वही जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। तो जाइएगा नहीं दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लास्ट तक, क्योंकि हम देंगे कंसेप्ट के साथ बहुत ही प्रकार का ट्रिक भी दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हुए, करते हैं समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कहता है कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर देता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों दोस्तों जब हम किसी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यह जानना बहुत जरूरी होता है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है और कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। और जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो एक दो क्वेश्चन सिंपल वाला, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। और एक ही प्रकार के दो तीन क्वेश्चन इसलिए लेकर आते हैं दोस्तों ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन कि ए और बी अलग अलग काम को 20 और 30 दिनों में समाप्त कर देता है, दोनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में करेगा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चन है कि ए और कौन है बी, ए कितना दिनों में, ए आपको 20 दिनों में और बी आपको 30 दिनों में। देखिए दोस्तों इस दोनों का पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 60 जो होता है यह हमारा TW अर्थात टोटल वर्क हो जाता है, 20 तियाई 60, 30 दूना 60 यह जो होता है हमारा, यह मेरा इफिशियंसी वर्क हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कार्य क्षमता। अर्थात ए एक दिन में 3 गो काम करता है, बी एक दिन में 2 गो काम करता है, और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 2 5 काम करेगा। अब भाई साहब आप ये बताइएगा कि ए और बी इस काम को कितना दिनों में करेगा, तो बहुत आसान है मेरे भाई, टोटल काम 60 है और ए और बी का एक दिन का काम 3 2 5 है, 5 से भाग कर दीजिए, 12 डेज आपका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे उड़ा देते हैं किसी क्वेश्चन को दोस्तों, विद इन सेकेंड में बना देते हैं दोस्तों। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, और धीरे धीरे टाइम एंड वर्क का कम से कम 10 वीडियो बनाएंगे दोस्तों, इस सभी वीडियो में आपको लेवल बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ए किसी काम को 20 दिनों में और बी 30 दिनों में करता है, ए का कार्य क्षमता 3 हुआ, बी का कार्य क्षमता 2 हुआ, कार्य क्षमता को जोड़ दिए, ए और बी का एक दिन का काम निकल गया, टोटल काम में भाग दे दिया, आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना देते हैं दोस्तों, काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन होगा दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन को आसानी के साथ बनाते चले जाएंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है दोस्तों, कहता क्या है कि ए बी सी अलग अलग एक काम को 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों देखिए पहले ए और बी, फिर उसके बाद ए बी सी, माने इसमें 3 आदमी कर रहा है काम, उसी तरह से करेंगे ए बी और सी, ये 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका 60 आ गया, ये 60 आपका टोटल वर्क हो गया भाई साहब, 60 आपका क्या हो गया,
टोटल वर्क हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबका इफिशियंसी वर्क निकालिए, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60, ये हमारा हो गया इफिशियंसी वर्क, जिसको हम कार्य क्षमता बोलते हैं। अब कहता है क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर, अर्थात ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में करेगा, तो टोटल हमारा है काम 60 गो, और ए का एक दिन का है 5 गो, बी का 4 गो और सी का 3 गो, तो 5 × 4 = 9 = 12, 12 से भाग दे देंगे, काटने के बाद आया हमारा 5 डेज, हमारा परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो ऐसे उड़ा देते हैं किसी भी क्वेश्चनों को दोस्तों, और विद इन सेकेंड में बना देते हैं दोस्तों, क्योंकि काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। तो आसानी के साथ आप समझ पाते होंगे दोस्तों, काफी आसान है टाइम एंड वर्क दोस्तों, और हम टाइप बदल बदल के बात करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है क्वेश्चन कहता है कि ए और बी अलग 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 एक काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, बी द्वारा शेष कार्य किया जाता है, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा दोस्तों। बहुत आसान है, उड़ा देंगे विद इन सेकेंड में क्वेश्चनों को उड़ा देंगे दोस्तों। चाहे काम छोड़कर चला जाए, चाहे 4 दिन बाद आए, चाहे 4 दिन पहले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों अल्फा स्टडी, और अल्फा स्टडी मिलेगा आपको एकदम सटीक कंसेप्ट के साथ वीडियो। आइए दोस्तों, तो कहता है ए और बी अलग अलग काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए और बी ए 10 दिन में और बी इसको 15 दिन में समाप्त करता है। पहले हम टोटल वर्क निकाल देते हैं, टोटल वर्क हमारा 30 हो जाता है, 30 हो जाता है। अब ये 10 × 3 = 30 और 15 × 2 = 30, ये हमारा इफिशियंसी वर्क हो जाता है, जिसको हम कार्य क्षमता के नाम से जानते हैं। अब कहता है दोनों मिलकर काम शुरू करता है, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। देखिए तो 4 दिन तक तो दोनों साथ ही काम किया, तब ना 4 दिन के बाद ए छोड़ दिया, तो ए प्लस बी, यहां पर देखिए ए प्लस बी जो होगा एक दिन में कितना काम करेगा वो देख लीजिए, एक दिन में 3 × 2 = 5 गो कार्य करेगा, 5 गो कार्य कर रहा है, थोड़ा सा एकदम आसानी के साथ समझा रहे हैं, है ना। तो ए प्लस बी 5 दिन में, भाई साहब 4 दिन में ना, 4 दिन में छोड़ के चला जाता है, अच्छा 4 दिन बाद, 4 दिन तक तो साथ ही काम करता है, तो 4 दिन में देखिए 4 दिन में कितना हो जाएगा, तो 5 × 4 यहां हो गया आपका 20 गो कार्य, 20 कार्य हो गया। अब 20 कार्य के बाद शेष कार्य कितना बच गया वो देख लेते हैं, तो शेष कार्य बच गया 30 गो टोटल है, उसमें से 20 गो कर लिया था, 10 गो ना काम बच गया हो, तो 10 काम बच गया है, और इस 10 काम में तो ए चला जाता है, तो बच कौन गया, बी, तो बी का एक दिन का काम कितना है 2 गो, तो कितना दिन लग जाएगा, तो 10/2 कितना लग जाएगा, 5 दिन इसको लग जाएगा, 5 दिन इसको लग जाएगा बी को, है ना। बी को लगेगा कितना दिन, बी को लगेगा 5 दिन, तो टोटल कितना दिन लगा, तो 5 × 4 कितना, 9 दिन आपका परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को उड़ा देते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों एक बार पुनः इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। बार बार एग्जामिनेशन में अगर आप एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी एवं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये नहीं भूलिए कि समय काम न पूछेगा, पूछेगा ही। आइए देखते हैं, देखिए कहता क्या है कि ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है, दोनों मिलकर काम शुरू करता है, भाई साहब दोनों मिलकर एक दिन में 3 × 2 = 5 गो काम करेगा, 4 दिन तक साथे रहा, उसके बाद अब पता नहीं क्या हुआ, कौन चला गया, ए चला गया, बच गया बी, तो बी को कै गो काम कर रहा है, 10 गो काम, तो बी को कै दिन लगेगा, 5 दिन, और साथे कै दिन किया था, 4 दिन, तो टोटल कै दिन हो गया, 9 दिन हो गया,
इस तरह से हम आसानी के साथ क्वेश्चनों को उड़ा देते हैं दोस्तों, विद इन सेकेंड में क्वेश्चनों को बना देते हैं दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों अल्फा स्टडी दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक से सब्सक्राइब दोस्तों 5000 एनर्जी देकर जाता है दोस्तों। कितना? 5000 मेरे भाई मेरे दोस्त, 5000 एनर्जी देकर जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन। कहता है कि ए और बी अलग अलग के एक काम को 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं, कर सकते हैं। 9 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, ए समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और विद इन सेकेंड में उड़ा देंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को भी। आइए देखते हैं। कहता है कि ए 20 दिनों में, ए 20 दिनों में और बी 30 दिनों में, ये 20 दिनों में और ये 30 दिनों में, ये हमारा हो गया टोटल वर्क 60 को कार्य हमारा टोटल वर्क हो गया 20 60 30 60। यह हमारा इफिशियंसी वर्क हो गया भाई साहब, जिसको हम कार्य क्षमता बोलते हैं। ठीक है, कार्य क्षमता। अब देखिए, कहता है कि 9 दिन बाद, तब पहले तो हमको लिखना पड़ेगा कि क्या लिखना पड़ेगा कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 गो कार्य करेगा। अब 9 दिन तक से साथ किया तो ए प्लस बी 9 दिन में कितना करेगा मित्र, 5 × 9 9 × 5 45 को कार्य करेगा मेरे भाई। 45 कार्य कर लिया, इसके बाद शेष कार्य हम निकालेंगे। शेष कार्य कितना हो जाएगा, तो 60 − 45 = 15 को कार्य जो होगा भाई वह शेष होगा। और इस 15 को कार्य को काम छोड़कर चला जाता है कौन, बी काम छोड़कर चला जाता है तो ए करता है, तो ए का एक दिन का काम 3 गो है, तो ए को कितना लगेगा समय, 15 गो काम है, एक दिन में 3 गो काम कर रहा है, तो 5 दिन इनको भी लगेगा, तो टोटल कितना दिन लगा। अब आपसे पूछा क्या है कि पूरा काम समाप्त होगा, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा दोस्तों, तो आप देख लीजिए, पहले 9 दिन किया है और उसके बाद 5 दिन, तो 9 × 5 क्या होता है, 14 दिन आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। ये इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों। आसानी के साथ क्वेश्चनों को उड़ा देते हैं दोस्तों, विद इन सेकेंड में क्वेश्चनों को बना देते हैं दोस्तों। दोस्तों आप सभी को दोस्तों नया साल के लाख लाख बधाई दोस्तों, और इसी तरह से हमारा चैनल को जरूर ग्रोथ कराते रहिए दोस्तों। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि क्या कहा, कि क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी अलग अलग के काम को 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 9 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य ए समाप्त करता है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो ए और बी एक दिन में 5 को कार्य करेगा, तो ए और बी 9 दिन में 9 × 5 = 45 को काम कर लिया, और शेष काम कितना रह गया, तो शेष काम 15 को रह गया, और काम छोड़ के कौन चला गया है, तो काम छोड़ के तो बी चल गया है ना, तो बी चल गया है, तो हटिए गए भाई, चलिए गए, तो कौन बचा, ए बचा, तो ए एक दिन में 3 को काम करता है, और उनको करना कितना काम है, तो 15 को काम करना है, तो 5 दिन में ही करेगा, और 9 दिन साथ मिलकर किया ना, तो 9 × 5 = 14। तो दोस्तों, तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को उड़ा देते हैं दोस्तों, विद इन सेकंड में बना देते हैं दोस्तों, और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे रे बाबा, ऐसे नहीं, धीरे धीरे क्वेश्चनों के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। अगर आप मेरा टाइम एंड वर्क का 10 वीडियो लगातार बनाएंगे दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके 10 वीडियो टाइम एंड वर्क का बनाएंगे दोस्तों, अगर आप सभी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो एक इस बात की, आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है कि ए बी सी अलग अलग एक काम को 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
सभी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, चार दिन बाद एक काम छोड़ देता है, छोड़कर चला जाता है, फिर उसके बाद दो दिन बाद भी काम छोड़ देता है, शेष काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा और पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। दोस्तों बहुत ही गजब क्वेश्चन, देखिए बोले ना टाइप बदल देंगे मेरे भाई। आइए, तीन आदमी है इसमें, एक है ए और एक है आपका बी और एक है सी, 10, 20 और 30, 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में तीनों का एलसीएम लीजिएगा, 60 एलसीएम आएगा और ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा, 10 × 60, 20 × 60, 30 × 60, ये मेरे भाई ये आपका इफिशियंसी वर्क हो जाएगा, मेरे भाई इफिशियंसी वर्क हो जाएगा, कार्य क्षमता। देखिए कहता है कि सभी साथ मिलकर शुरू किया और चार दिन बाद ए छोड़ के चला गया, तो तीनों आदमी, तो देखिए एक ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको एकदम एक बहुत ही गजब का कंसेप्ट बताते हैं। यहां देखिए ए प्लस बी प्लस सी चार दिन तक किया और बी प्लस सी दो दिन तक किया और अंत में कौन किया, सी किया। तो देखिए ये चार दिन किया, ये दो दिन किया, आई बच जो जाएगा वो सी करेगा, यही ना निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करेगा वो देख लीजिए, 6, 3, 9 और 2, 11 कार्य, 11 कार्य किया, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, आपको कै दिन में है, चार दिन में, चार दिन में कितना काम करेगा, तो 11 × 4, 44 कार्य करेगा, 44 कार्य करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितना करेगा, ए प्लस बी एक दिन में 3 × 2, 5 कार्य करेगा, कितना काम करेगा, 5 कार्य करेगा। तो ए प्लस बी दो दिन साथे किया है काम का, तो 5 × 2, 10 को कार्य साथे किया, किया ना सर, 10 को साथे कार्य कर लिया, ठीक है। देखिए 10 × 60, 20 × 60, 30 × 60, 6, 3, 9 और 2, 11, ए प्लस बी एक दिन में 11 को कार्य, तो चार दिन तक किया, 44 को कार्य कर लेगा, और ये 3, 2, 5, ओहो थोड़ा 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 मिस्टेकन है। यहां देखिए दोस्तों यहाँ बी और सी क्या है, नहीं नहीं ठीक है, बी और सी है, तो 5 को कार्य करता है, तो 5 × 10 को कार्य करेगा, अब शेष काम कितना निकल जाएगा, शेष काम कितना बच जाएगा, तो 60 − 44 + 10 = 54, माने 44 + 10 बराबर 60 − 54, 6 को कार्य हमारा शेष हो गया, और इसी 6 कार्य को कौन करेगा, सी करेगा, 6 को कार्य को कौन करेगा, सी। तो सी, सी कितना दिन में, सी को लगा लगा समय हो जाएगा, है ना, 6/1 दिन में 2 को काम करता है, तो 3 दिन लग जाएगा सी को, टोटल काम कितना दिनों में समाप्त हुआ, तो 3 दिन लग गया ये, तो 4 × 3 = 7, 4 × 2 = 6, 3 = 9 दिन, कितना दिन आंसर हो जाएगा, 9 दिन आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार पुनः इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कहता है कि ए बी सी अलग अलग एक कार्य को 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 10, 20, 30 तीनों का एलसीएम 60 हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ए एक दिन में 6 को काम करेगा, बी 3 को करेगा और सी 2 को करेगा। अब कहता है क्वेश्चन में कि सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, चलिए ए बी सी एक दिन में 6, 3, 9, 2, 11 को काम करेगा, चार दिन तक काम किया, तो ए बी सी चार दिन में 44 को काम कर लिया भाई। अब क्या होता है कि एक काम छोड़ देता है, तो बचला जो काम होगा वो बी और सी करेगा, अब बी और सी दोनों आदमी दो दिन मिलके करता है, तो बी और सी एक दिन में 3 × 2, 5 को कार्य, तो दो दिन में 5 × 2 = 10 को कार्य करेगा, तो शेष कितना हो जाएगा, 60 − 44 = 10, 54 को कार्य कर लिया,
और 60 में से 54 घटेगा तो 6 गो काम बचेगा, और इसी 6 गो काम को करेगा कौन? सी। तो सी एक दिन में 2 गो काम करता है, तो 6 गो काम 3 दिन में कर लेगा, तो दिन की संख्या आ जाएगा 6, 4, 2, 6, 3, 9। तो दोस्तों देखते रहिए अल्फा एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों नए साल की आपको लाख लाख बधाई दोस्तों, और इसी तरह से आप अपने जीवन में तरक्की कीजिए दोस्तों, एग्जामिनेशन को निकालते रहिए दोस्तों। तो देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।